क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट में आपको दे रखा है 64 की पावर 1/2, यानी कि 64 की घात 1/2 आपको दिया गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से आपको करना क्या रहता है, 64 को आप फैक्टर निकालना रहता है। 64 का फैक्टर क्या होगा, देखो 64 का आप फैक्टर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 8 × 8 × 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 × 2 कितना हो गया 64, यानी कि 2 × 2 = 4 × 8 × 2 = 16 × 2 = 32 × 2 = 64, ठीक है 64 आ गया। कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, यानी कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इतना आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। इसकी होल पावर कितनी थी, इसकी होल पावर हमें दे रखा है 1/2 है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पे हमको एक फार्मूला पता है, ए की पावर अगर एम हो उसकी पावर भी अगर एन हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब इसकी पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। यहाँ पे इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 3/1, ठीक है, यानी कितना हो गया ये 2 की पावर 3, यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8, फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो आप 2 की पावर 3 आंसर बोल दीजिए, ये भी आंसर सही से माना जाएगा और आपको 8 भी आंसर इसका सही माना जाएगा, ये दोनों का मतलब एक ही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी आपको सोल्व करना है इसी प्रकार से। आप 32 को क्या लिख सकते हैं, आप 32 को 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 इसको हम ऐसा लिखेंगे, और इसकी पावर कितना है, 2 की पावर 2/5 दे रखा है। यहाँ पे 2 कितना टाइम है, यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, 2 5 टाइम है, यहाँ पे आपको 2 5 टाइम दिया गया है, तो यानी कि 2 की पावर 5 की पावर कितना दिया है, 2/5, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ए की पावर एम का होल पावर अगर एन हो तो हम लिखते हैं ए की पावर एम इंटू एल लिखते हैं। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 × 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2 दो बार लिखा जाएगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 4, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड का आंसर आ जाएगा 4 और फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 8। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले का आंसर, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 5 5 जाए 25 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, इसकी पावर कितना दिया गया है, 1/3, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, इसकी होल पावर कितना दिया है, 1/3 दे रखा है। यहाँ पे भी आपको फार्मूला लगाना है, यहाँ पे भी आपको ये फार्मूला लगा देना है, तो ये वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 × 1/3, यानी कि ये हो गया, इसका आंसर आ गया 5 पावर 1, यानी कि 5, इसका फाइनल आंसर 5 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 16 की पावर 3/4, यानी कि 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16, इसकी पावर दे रखा है 3/4, यानी कि इसको भी फिर आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, यानी कि 3/4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 × 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 की पावर 3, यानी कि कितना, 2 × 2 × 2 तो यानी कि बचा क्या, 2 की पावर 3, यानी कि 2 × 2 × 2 तो यानी कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये वाले क्वेश्चन 4 का आंसर 8 कैसे आया, और थर्ड वाले का आंसर 5 कैसे आया, और 2 वाले का आंसर 4 कैसे आया, और 1 वाले का आंसर 8 कैसे आया। आई होप दोस्तों आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नंबर 12 में आपको दिया गया है सरल करना है, सरल कीजिए आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है और थर्ड ये है, ठीक है, पहले हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बाद में ये इधर आएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको, 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2, देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अगर आपको याद हो तो, देखो आपको बताया गया था कि यदि ए की पावर एम हो इंटू बी की पावर एम हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए और बी का मल्टीप्लाई करके इसकी पावर को लिख देते हैं
वही का वही जो पावर होता है वही का वही लिख देते हैं, ठीक है। कि अगर आपको बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वह पावर जो रहता है पावर वही का वही लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से इसको इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 × 8 हो जाएगा और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर वापस ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है 1/3 की पावर 3 का होल पावर 7 दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 की पावर होल पावर 3, इसकी फिर हमको होल पावर दे रखी है क्या, 7। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं क्यों, 1 की पावर चाहे आप कितना ही कर दो बट आएगा तो 1 ही। तो इसी प्रकार से मैं 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, फिर इसके बाद में इनको दोनों को कॉमन ले लिया, यानी कि सबके होल पावर इनके कितनी कर दिया, 3। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 3 × 7, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 का होल पावर 21, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे तो एक आंसर लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू को आप यहाँ 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा बट ये माइनस का 21 हो जाएगा, इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जब बेस सेम होता है तो पावर को एडिशन कर दिया जाता है मल्टीप्लाई के रूल में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 a की पावर अगर m हो (a की पावर n) हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m + n लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना, a की पावर m की होल पावर n हो तो क्या लिखते हैं, a की पावर m × n लिखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m और a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दिया जाता है। बेस होता है बेस को वही लिख लेते हैं, बेस ऐसा है 2 तो इसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं, 2/3 + 1/5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 3 × 5 = 15, अब 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 × 2 = 10 + 5 × 3 = 15, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13/15, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 13/15 फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया है 2 की पावर 13/15 और सेकंड वाले का आया है 1/3 की पावर 21, या तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर −21, और थर्ड वाले का आंसर आया 56 की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या अगर आपको निकालने के लिए किसी भी परिमेय संख्या या होल नंबर में बोला जाए तो आपको इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। यदि आपको 2 होल नंबर्स या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 1 रेशनल नंबर निकालना हो तो आपको सीधा सिंपल सा काम एक ही करना है, तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 रेशनल नंबर मिल जाएगा, वो जो आपको दिया गया, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो रेशनल नंबर हो। बट हमसे अगर ये पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर और 2 होल नंबर्स के बीच में 1 से अधिक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए आपको प्रोसेस ये समझना है। इसमें आपको ये करना होता है, आपको कितना पूछा गया है, कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको बोला गया है 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ना है कितना, 6, यानी कि आपको जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा उतने में 1 जोड़ देना है। अब उसका आपको उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है और उनके बीच की परिमेय संख्या लिख देना है, ये सिंपल सा रूल है। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पे हमको पता है 1 और 2 के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 निकालना है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए मैंने आपको बता दिया 5 रेशनल नंबर निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर और ये जो हमारा लास्ट नंबर यानी कि इनके बीच में ही निकालना है, 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी होल नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, इसको हम कर सकते हैं, और इसके अधिकार क्षेत्र में भी है भैया, यहाँ पे इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। इसके बाद हमें यह करना रहता है कि जो हमको आया था यहाँ पे जोड़ने के बाद, हमको जितना रेशनल नंबर निकालना रहता है उसमें 1 जोड़ने के बाद जो आया होता है, अब उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। इसमें भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया हमारा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया
सिक्स बाय सिक्स, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12/6, यानी कि यहाँ पे आ गया 6 2 12, 6 1 6। यहाँ पे अब हमको रेशनल नंबर लिखना है भैया इनके बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6/6 है, तो अब इसके आगे क्या आएगा, 6/6 के आगे क्या हो जाएगा, 7/6 आएगा, और 8/6 आएगा, इसके बाद में आ जाएगा 9/6 आ जाएगा, इसके बाद में 10/6 आ जाएगा, इसके बाद में 11/6 आ जाएगा, इसके बाद में हमको ये 12/6 ऑटोमेटिक दे ही रखा है। बोला जाए किसी भी रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए तो आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी है। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला 5 रेशनल नंबर ये हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्यों और कैसे आया है। इसका आंसर आपको सिंप्लीफाई करके भी दिया जा सकता है कि जैसे 7/6 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते 2 4 8, 2 3 6, यानी कि ये 4/3 भी हो सकता है, इसको 3 3 9, 3 2 6, यानी कि 3/2 भी बोल सकते हैं, इसको हम 2 5 10, 2 3 6, यानी कि 5/3 बोल सकते हैं, इसको हम 11/6 ही बोलेंगे, और ये 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे वो आप ये बोल सकते हो, ये वाले आंसर भी 5 रेशनल नंबर है, इनके बीच में ही है। आप डिवाइड करके देखेंगे इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि दिखाइए कि 0.333 = 0.3 bar को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर क्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0.333 को हमको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसको कैसे किया जाता है इसका भी एक तरीका है, इस तरीके को आपको समझ के रखना है। यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसको भी आपको डेसिमल वाली वैल्यू को आपको परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसके लिए पहले आपको जो काम करना पड़ता है वो ये करना होता है जो आपको दिया गया है 0.3333, 4 टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे 4 टाइम आपको दे रखा है, तो इसको हम बराबर मान लेते हैं x हमने माना, ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू x हमने मान लिया, यानी कहीं भी हमको ज़रूरत पड़ेगी 0.3333 की, इसको हम बोल देंगे ये क्या है, x है, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं या इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो आप ये मान लेते हैं, मानने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना है, 10 का गुणा करने पर करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.333 × 10 = x × 10। अब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो होता है ना, मल्टीप्लाई अगर डेसिमल वाले में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का, तो ये डेसिमल ये शिफ्ट होके इधर आ जाता है, तो यानी कि हो जाएगा 3.3333। ये तो बार बार है कंटिन्यू, इसको आप कहीं तक भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे हमको इतना टाइम लिखना था तो हमने इसको लिख दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, यहाँ कितना हो जाएगा ये 10x, इसको मैं एक तरीके से लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए आप, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0.3333, इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 3 में आप इतना जोड़ेंगे तो आपको वापस से ये मिल जाएगा, यानी कि इसको हमने ऐसा लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है बस। अब यहाँ पे देखिए 10x पहले से था, अब देखें अब यहाँ पे हमको जो दे रखा है इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको 0.3333 इसको हमने क्या माना है, x माना है ना, इसके जगह पे x रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + x = कितना हो जाएगा ये 10x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 ये x का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 3 = कितना हो जाएगा 10x - x। अब इधर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 3 = 9x दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा चेंज कर देते हैं, ऐसा पलट देते हैं, तो किधर आ जाएगा ये, इधर 9x आ जाएगा और इधर 3 चला जाएगा। अगर हम इधर उधर ले जाते हैं वैल्यू तो प्लस माइनस होता है, बट हमने पूरा को ऐसे चेंज कर दिया तो यहाँ पे कोई साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी 1/3, यानी कि हमारा जो ये वैल्यू था, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर कितना माना, ये माना था, तो यानी कि ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है 1/3, यानी कि आप 1/3 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये पूरा एक इसका प्रोसेस होता है, इसको आपको ध्यान से समझना रहता है और सोल्व करना रहता है। इसकी जगह पे कुछ भी वैल्यू आपको दिया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों आपको ये बोला गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक अपरिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या नहीं बोला गया, आपको अपरिमेय संख्या बोला गया है। आपको याद रखना है कि अगर आपको एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए या एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में या अपरिमेय संख्याओं के बीच में, तो आप डायरेक्ट एक ही काम करेंगे, वो ये करेंगे कि दोनों को ऐड करके दो का डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं आपको सोचना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे वह मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए जब 1/7 और 2/7 को प्लस करेंगे और इसमें दो का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, इन दोनों के एलसीएम आ गया 7। अब यहाँ पे 7 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद में हमको डिवाइडेड में दे रखा है, इसके डिवाइडेड बाय दे रखा है 2 है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझना है। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया कितना हो जाएगा, ये 3/7 ये हमारा मेन फ्रैक्शन होता है, ये मेन फ्रैक्शन यानी कि मूल भिन्न है, इस मूल भिन्न के नीचे हमें डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका कोई नीचे नहीं है, इसको डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में है, तो ये लिख दिया। इसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे अट्टा बट्टा हो गया, तो अट्टा बट्टा वाला सीधा सा काम ये कर लो कि भैया पहला वाला फ्रैक्शन वैसे वैसे लिखा जाता है 3/7, इसके बाद में जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1/2 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3/14 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 3/14, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।